बी टाउन ब्यूटीज ने मिलकर मचाया हंगामा हंगामा अपने हुस्न का अपनी अदाओं का। मुंबई में हुई एक अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर हीरोइंस का क्लासिक अंदाज सबको भाया, उनकी अदाओं के आप भी हुई कायल। और देखिए सितारों से सजी हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई में सजी एक और अवार्ड नाइट, इस अवार्ड नाइट में नजर आया स्टार्स का क्लासिक अंदाज। बी टाउन ब्यूटीज ने सेक्सी ड्रेस पहनकर अपनी बैक को किया फ्लॉन्ट। ओ अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर इन सभी सितारों ने वाकई लगा दिए हैं अपनी सेक्सी इमेज से चार चांद। प्रियंका चोपड़ा इस अवार्ड शो में साड़ी में नजर आई। इंटरनेशनल स्टार बन चुकी प्रियंका को अपना देसी अवतार है सबसे प्यारा। Actually, I was really in the mood to wear a saree. मैंने बड़े दिनों से साड़ी नहीं पहनी थी and it's my favorite outfit, so I decided to wear one. प्रियंका आप इस देसी अवतार में भी लग रही हैं सेक्सी। Well, पीसी ने यहाँ ना सिर्फ अपनी सेक्सी बैक को फ्लॉन्ट किया बल्कि उन्होंने तो अपनी रोल्स रॉयस की भी खूब चर्चा की। चलाई तो नहीं है मैंने अपनी रोल्स अभी तक। आई डोंट लाइक ड्राइविंग, आई प्रेफर टू बी ड्रिवन। इट्स एन एक्सटेंडेड रोल जिसको खिंचाया गया है क्योंकि लंबी गाड़ियाँ अच्छी लगती है, मेरे लंबे पैर हैं तो और मैं सोती बहुत हूँ अपनी गाड़ियों में, सो इट फिट्स मी। दीपिका पादुकोण को इस अवार्ड नाइट में उनकी ऑलमोस्ट सभी फिल्मों के लिए नॉमिनेशन मिले, तो फिर दीपिका आपने अपनी स्पीच तो तैयार कर ली है ना? I've always said don't anticipate or don't expect because you never know. It's been a great year at the movies for everyone. I think there've been some really nice performances and until that award is in my hand, I never have a speech ready. I've never planned a speech. The event of this award was graced by many B-Town celebs. Rakesh Om Prakash Mehra, Divya Datta, Sonali Bendre, Ayan Mukherjee, Janelia D'Souza, Vivek Oberoi, Ali Faisal, Pulkit Samrat, Farhan Akhtar, Yami Gautam, Shreya Ghoshal जैसे B-Town के सभी बड़े चेहरों ने यहाँ रेड कार्पेट पर वॉक किया। फराह खान और शबाना आजमी को पहली बार स्त्री सम्मान अवार्ड दिया गया उनके बॉलीवुड में खास कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसके बारे में फरहा ने बात की। उन्होंने इंस्टीट्यूट किया है स्त्री सम्मान अवार्ड जो विमेन अचीवर्स इन सिनेमा को दे रहे हैं, तो आई थिंक इस साल शबाना जी और मुझे पहला अवार्ड दे रहे हैं वो। फराह खान ने किंग खान की चोट के बारे में भी बात की। शाहरुख को फरहा की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, पूरा दरवाजा उनके सर पे गिर गया था, सर से बहुत खून आ रहा था एंड ही कुडंट गेट अप फॉर ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स। सो इनफैक्ट दो चार घंटे के बाद वो सेट पर वापस आए, लेकिन नेक्स्ट 4-5 दिन का डिसीजन मैंने लिया कि शूटिंग नहीं होगी। अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर शाहरुख खान ने भले ही वॉक ना की हो, लेकिन इस रेड कार्पेट पर स्टार सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते नजर आए। अवार्ड नाइट की ये शाम इन सितारों ने बनाई खास, हर छोटी बड़ी सभी बातों के इन सितारों ने दिए यहाँ जवाब। वेल, इस अवार्ड नाइट का सिलसिला बॉलीवुड में यूं ही चलता रहे और स्टार्स यूं ही चमकते रहे।